आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 133। तब संत गरीब दास जी ने सत्संग करके उस पुण्यात्मा मनी राम जी को बताया कि हे मनी राम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, यह आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी यानी एक तुलसी के मनके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है। एक माला 108 रुद्राक्ष के मणकों की डाल रखी है, जो मंत्र जाप के लिए होती हैं, जिसे संत जन सुमरनी कहते हैं। मस्तिष्क में तिलक लगा कर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीब दास जी ने वाणी द्वारा समझाया कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। भावार्थ, हे मनी राम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी बारही आडंबर का तो डूंडा ठा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भक्त समाज कटकर मर जाए, परंतु अंदर गुण साधु के बिल्कुल नहीं। लालच के कारण अंतःकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरनी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्मकल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो, अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषि जन वास्तव में पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीब दास जी ने उदाहरण द्वारा समझाया है कि राजा परीक्षित का उद्धार। जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के श्रापवश तक्षक सर्प ने डसना था, तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत यानी सुधा सागर की 7 दिन की कथा करनी थी। पृथ्वी के सर्व ऋषियों तथा पंडितों से श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। वे वास्तव में पंडित थे, वे परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीव व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सर्व पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं, हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था, उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए, वे कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। कुछ समय नरक भोग कर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा है। उसने वंश के मोहवश होकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्यों को सुखदेव यानी शुकदेव ऋषि को दान दिया। उस पुण्यों की कीमत से श्री शुकदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज तथा परिवार से मोह समाप्त किया। तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा के दौरान ही डसा। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई, परंतु कथा सुनने से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए थे, जिस कारण से उनके पुण्यों का ढेर लगा था। वाणी में परमात्मा का विधान बताया है कि जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 134। शब्दार्थ, गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का विधान है कि जो अंत समय में जिसमें भाव यानी आस्था रखकर स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इसी विधानानुसार राजा परीक्षित का जीव स्थूल शरीर त्याग कर
यानी जो सर्प विष से मर गया था, सूक्ष्म शरीर युक्त शुकदेव ऋषि के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। संत गरीब दास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर ने मणिराम जी को बताया कि शुकदेव ऋषि के द्वारा सुनाई कथा से राजा परीक्षित का मन संसार से हटकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो गया था, जिस कारण से मृत्यु के उपरांत उस जन्म में राज के दौरान किए गए पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग चला गया। जन्म मरण का चक्र अभी शेष है। काल ब्रह्म के लोक में स्वर्ग महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति को ही उद्धार हुआ मानते हैं, जो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे का परिणाम है। काल ब्रह्म के लोक वाला उद्धार भी पृथ्वी के किसी ऋषि पंडित के स्तर का नहीं है, क्योंकि इनका पाठ व कथा यानी सत्संग करने में मान बड़ाई उद्देश्य रहता है। एक दूसरे ऋषि के प्रति प्रसिद्धि की चाह में ईर्ष्या रोग भी लगा रहता है। शुकदेव जी एक संत जनक जी के शिष्य थे। राजा जनक को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले थे, उनको सोहम नाम जाप दिया था। राजा जनक के प्रमुख तथा प्रिय शिष्य शुकदेव जी थे। जनक जी ने यह मंत्र केवल शुकदेव को दिया था, जिस कारण से शुकदेव का स्वर्ग समय अधिक है। राजा जनक के साथ काल ने धोखा किया था। उन्होंने अपने आधे पुण्य 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवों को दान कर दिए थे, जिस कारण से उनका स्वर्ग समय कम रह गया था और वे सन 1469 में पंजाब प्रांत में यानी भारत देश में श्री कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर श्री नानक नाम से जन्मे थे, वर्तमान में पाकिस्तान देश में हैं। शुकदेव जी को पृथ्वी पर किसी से कोई द्वेष तथा ईर्ष्या या मान बढ़ाई की चाह नहीं थी। उनके द्वारा सुनाई गई कथा का प्रभाव परीक्षित के मन पर पड़ा, जिस कारण से उनका स्वर्गवास हुआ। यदि अन्य ऋषि कथा करता तो राजा का मन राज व परिवार में रह जाता, उनका पुनः जन्म पृथ्वी पर होता, पुण्यों को राजा बनकर नष्ट करता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 135। संत गरीब दास जी ने बताया कि हे मणिराम, जब तक जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता तो उसको परम शांति नहीं होती, फिर राजा बनकर राज की हानि लाभ की आग में जलता है, निर्धन बनकर कष्ट उठाता है, फिर पशु पक्षी आदि आदि के शरीरों में कष्ट उठाता है। आप श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी के भक्त हो, वैष्णव साधु श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते हैं। आप यह भी मानते हो कि श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। गीता ज्ञान सुनाने वाला गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट करता है कि मेरे से अन्य कोई परम ईश्वर है। हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो साधक जरा यानी वृद्धा अवस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, काल लोक के राज्य तथा स्वर्ग महास्वर्ग तक की इच्छा नहीं रखते, वे तत् ब्रह्म से संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि जिस तत् ब्रह्म के विषय में अध्याय 7 के श्लोक 29 में कहा है कि वह तत् ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में दिया है। बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, जिससे मेरी प्राप्ति होगी। और गीता के अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में उस अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है, जिससे उसकी प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 अध्याय 4 श्लोक 5 अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में जो अविनाशी परमात्मा कहा है तथा अध्याय 15 श्लोक 16-17 में तीन पुरुष यानी प्रभु बताए हैं। श्लोक 16 में शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का वर्णन है, दोनों नाशवान बताए हैं।
फिर अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताई है। वह उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहा है, वही तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर साधक संसार में कभी नहीं आते। उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने विश्व की रचना की है। गीता का उल्लेख समाप्त। संत गरीब दास जी ने मणिराम को बताया कि परम अक्षर ब्रह्म यानी तत् ब्रह्म की भक्ति मेरे यानी संत गरीब दास जी के पास है। यदि आप जी को पूर्ण मोक्ष करवाना है तो दीक्षा लो और कल्याण करवा लो। मणिराम जी को गीता के सर्व श्लोक कंठस्थ थे, तुरंत समझ गए और दीक्षा लेकर पाखंड त्याग कर कल्याण करवाया। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 136। पंडित की परिभाषा। पंडित कहते हैं विद्वान को। मेरे पूज्य गुरुजी ब्राह्मण जाति में गांव बड़ा पैंतावास, तहसील चरखी, दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा में जन्मे थे। वे अपने आप को कभी पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में नजफगढ़ के पास के जाट थे। वे छोटी आयु में ही संत गंगेश्वरानंद जी के सत्संग से प्रभावित होकर उनके साथ हरिद्वार चले गए थे। संत गंगेश्वरानंद जी ने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए छोड़ा। वे तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। चार विषयों में आचार्य की डिग्री प्राप्त की, जिस कारण से जाट होते हुए भी पंडित चिदानंद जी के नाम से पुकारे जाते थे। गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा में उनका आश्रम है। उस बोर्ड पर लगा है पंडित चिदानंद जी, गरीब दासी आश्रम गोपालपुर। उनका नाम चिदानंद जी था। कोई ब्राह्मण भाई दुख ना माने, इसलिए पंडित की परिभाषा बताना अनिवार्य था, सो बताई है। सुदामा जी पंडित थे। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी, कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्मपत्नी को पता था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की अच्छी मित्रता रही है। पत्नी ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीब दास जी ने भी कहा है कि नट पेर ना कांजर सांसी, मांगत है भटियारे, जिनकी भक्ति मेलो लागी वो मोती देत उधारे, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जाका मांगना पीवे पानी। शब्दार्थ, नट ये लोग जनता में कुछ खेल दिखाते थे, जैसे लंबे बांस को बिना पृथ्वी में गाड़े उसके ऊपर चढ़ना जो अनोखा व कठिन कार्य होता था। उस खेल के समापन पर कटोरा लेकर तमाशा यानी खेल देखने के लिए उपस्थित भीड़ से रुपए पैसे मांगते थे। इसी प्रकार अन्य जाति के व्यक्ति कंजर, सांसी, भटियारे अपनी कला दिखाकर रुपए या कनक यानी गेहूं, बाजरा, चना मांगते थे। यदि योगी यानी साधक भी ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करके रुपए व कनक इकट्ठे करता है तो उसकी सत्य साधना नहीं है। यदि सत्य साधक होता, शिष्यों को आशीर्वाद रूपी मोती देकर धनी बनाता है, जो साधक के भाग्य से अलग अपनी ओर से उधार रूप में होता है। यदि संत दर दर पर जाकर मांगता फिरता है तो वह ज्ञानी है, उसके पास शास्त्र अनुसार साधना नहीं, वह संत नहीं भड़वा है। भड़वा का अर्थ यहां पर बेशर्म है। जोगी यानी साधक की भक्ति संपूर्ण उसकी मानी जाती है जो किसी से कुछ नहीं मांगे। उसके उदाहरण में कहा है कि वह साधक और वस्तु तो छोड़ो, पानी भी मांगकर नहीं पीता, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विप्र सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया। मुट्ठी भर चावल साथ लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण जी ने चाव के साथ खाए, चरण तक धोए
और कुशल मंगल पूछा तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से ठीक निर्वाह हो रहा है। एक सप्ताह श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि कुछ धन दे दो। वे जानते थे कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 137। शब्दार्थ, कबीर परमात्मा ने भी बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है उसे मांगना नहीं चाहिए, मांगने से परमात्मा रुष्ट हो जाता है, उसको भिक्षा भी नहीं मिलती। वह साधक परमात्मा पर विश्वास रखकर नहीं मांगेगा तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करेगा, यानी मोती जैसी बहुमूल्य वस्तु भी दे देगा। पूर्ण सद्गुरु यही शिक्षा देता है कि मांगने से तो व्यक्ति जीवित ही मर जाता है, मांगने से तो मरना भला है, भावार्थ आत्महत्या से नहीं है, यहां अपनी इच्छाओं का दमन करके मृतक बनकर रहने से है। श्री कृष्ण जी राजा थे, अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उनको लाभ हुआ, इसे पंडित कहते हैं। जो मांगे सो भड़ुआ कहलाता है, पंडित की यह परिभाषा है। प्रसंग चल रहा है, दीक्षा यानी नाम लेने के पश्चात भक्त की आस्था संसार तथा परमात्मा में कैसी होनी चाहिए, उस प्रसंग में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ के अध्याय अनुराग सागर में परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा धर्मदास जी को इस प्रकार बताया है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 138। अध्याय अनुराग सागर का सारांश। अनुराग सागर पृष्ठ 3-5 तक का सारांश। पृष्ठ 3, धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। प्रश्न, प्रभु दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए? उत्तर, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जैसे मृग यानी हिरण शब्द पर आसक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लग्न लगावे। हिरण यानी मृग पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है। जब वह शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, पतंग यानी पंख वाले कीड़े को प्रकाश बहुत प्रिय है, अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक मोमबत्ती बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भक्त को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए, समाज की परंपरागत साधना को तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाजों को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटे। तीसरा उदाहरण, पुराने समय में पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा, चाचे ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते, जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं, वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो, बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं, माता का पल्लू पकड़ रोकते हैं, उस स्त्री को उसके स्वर्ण के आभूषण भी दिखाए जाते हैं, देख इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो, परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी, पीछे कदम नहीं हटाती थी,
पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई एक दो ही होती थी। बाद में यह रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा था, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में यह संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 139। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग्य में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है। जगत में जीवन दिन चार का कोई सदा नहीं रहे, यह विचार पति संग चाली कोई कुछ कहे। शब्दार्थ, बहुत पुराने समय में स्त्री अपने मृत पति के साथ जलकर मर जाती थी। उस समय उसकी आस्था अपने पति के अतिरिक्त किसी धन संपत्ति, बालकों या आभूषण में नहीं रहती थी। यह विचार करती थी कि संसार में आज नहीं तो कुछ दिन बाद मृत्यु होगी। संसार के व्यक्ति कुछ भी कहें, वह किसी की परवाह नहीं करती थी। इस तरह का विचार करके वह स्त्री अपने पति के साथ जलकर मरती थी। यह कुरीति थी, परंतु उस समय बहुत महत्व माना जाता था। अब शिक्षित समाज ने इस कुरीति व जुल्म का अंत कर दिया है। भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए यह उदाहरण सटीक है कि भक्त को भी ऐसी आस्था परमात्मा प्राप्ति के लिए बनानी चाहिए। संसार के व्यक्तियों की संसारिक बातों पर ध्यान न देकर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए दृढ़ता से भक्ति करें, मर्यादा का पालन करें। नीचे की वाणियों में यही समझाया है कि भक्त सत्पुरुष की प्राप्ति के लिए ऐसे ही लगन लगाएं, संसार के नाते संपत्ति को भूल जाएं और केवल परमात्मा में ध्यान लगाएं। हे धर्मदास, इसी प्रकार भक्त का विचार होना चाहिए। ऐसे ही जो सत्पुरुष लौ लावे, कुल परिवार सब बिसरावे, नारी सुत का मोह न आने, जगत रू जीवन स्वप्न कर जाने, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाई, बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जाके समनाही, तेही कारण नर शीश जो देही, अंत समय सो नहीं संग देही, चाहे कोई जले पति के संगा, फिर दोनों बने कीट पतंगा, फिर पशु पक्षी जन्म पावे, बिन सतगुरु दुख कौन मिटावे, ऐसी नारी बहु तेरी भाई, पति मरे तब रूधन मचाई, काम पूर्ति की हानि विचारे, दिन तेरह ऐसे पुकारे, निज स्वार्थ को रोदन करही, तुरंत ही खसम दूसरों करही, सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, सत्य नाम गहु निज मति एही, स्वतन संप्रिय और ना आना, सो भी संग नहीं चलत निदाना, ऐसा कोई ना दिख भाई, अंत समय में होए सहाय, आदि अंत का सखा भुलाया, झूठे जगनातों में फिरे उमाया, अंत समय जम दूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे, सतगुरु है एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानहु कहा हमारा, काल को जीत हंस ले जाही, अविचल देश जहां पुरुष रहा ही, जहां जाए सुख होए अपारा, बहुर न आवे इस संसारा, ऐसा दृढ़ मता कराही, जैसे सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो मरे रण के माही, पूठा कदम कबहु हटावे नाही, जैसे सती पति संग जरही, ऐसा दृढ़ निश्चय जो करही, साहेब मिले जग कीर्ति होई, विश्वास कर देखो कोई, हम है राह बतावन हारा, माने बचन भव उतरे पारा, छल कपट हम नहीं कराही, निस्वार्थ परमार्थ करें भाई, जीव एक जो शरण पुरुष की जावे, प्रचारक को घना पुण्य पावे, कोटि धेनु जो कटत बचाई, एता धर्म मिले प्रचारक ताही, लावे गुरु शरण दीक्षा दिलावे, आपा ना थापे सब कुछ गुरु को बतावे, जो कोई प्रचारक गुरु बनी बैठे, परमात्मा रूठे काल कान एठे, लाख 28 झूठे गुरु रोवे, पड़े नरक में ना सुख सोवे,
अब कहे है भूल भई भारी, हे सतगुरु सुध लेवो हमारी। बोए बबूल आम कहाँ खाई, कोटी जीवन को नरक पठाई। ऐसी गलती ना करहूं सुजाना, सत्य वचन मानो प्रमाना। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 140। शब्दार्थ: उपरोक्त वाणियों का भावार्थ है कि जब लड़का युवा होता है तो उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात माता पिता से भी अधिक लगाव अपनी पत्नी में हो जाता है, फिर बच्चों से ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी साथ नहीं जाती। कुछ समय पश्चात यानी 13वीं क्रिया के पश्चात छोटे बड़े पति के भाई के साथ सगाई विवाह कर लेती है, पति को पूर्ण रूप से भूल जाती है। यदि कोई अपने पति के साथ जल मरती है तो अगले जन्म में पक्षी या पशु योनि में दोनों भटक रहे होंगे। जिस पत्नी के लिए पुरुष अपनी गर्दन तक कटा लेता है, यदि कोई किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, तो पति अपनी पत्नी के लिए लड़ मरता है। फिर वही पत्नी पति की मृत्यु के उपरांत अन्य पुरुष से मिल जाती है। यह भले ही समय की आवश्यकता है, परंतु भक्त के लिए ठोस शिक्षा है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कुछ समय उपरांत दूसरी पत्नी ले आता है। पत्नी अपने पति के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता त्याग कर चली आती है, परंतु पत्नी की मृत्यु के उपरांत स्वार्थ के कारण रोता है। परंतु जब अन्य व्यक्ति विवाह के लिए कहते हैं तो सब भूलकर तैयार हो जाता है। भावार्थ है कि सब स्वार्थ का नाता है, इसलिए सत्य भक्ति करके उस सत्य लोक में चलो जहां पर जरा यानी वृद्धावस्था तथा मरण यानी मृत्यु नहीं है। आगे चेतावनी दी है कि हे भक्त, अपने शरीर के समान इंसान को कुछ भी प्रिय नहीं होता। अपने शरीर की रक्षार्थ लाखों रुपए इलाज यानी ट्रीटमेंट में खर्च कर देता है, यह विचार करके कि यदि जीवन बचा तो मेहनत मजदूरी करके रुपए तो फिर बना लूंगा, यदि रुपए नहीं होते हैं तो संपत्ति को भी यही विचार करके बेच देता है और अपना शरीर बचाता है। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि हे धर्मदास, स्वह तनु संप्रिय और न आना, सो भी संग न चलत निदाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 141। शब्दार्थ: अपने शरीर के समान अन्य कुछ वस्तु प्रिय नहीं है, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य कौन सी वस्तु को तू अपना मानकर भूले और भगवान भूले फिर रहे हो? सर्व संपत्ति तथा परिजन एक स्वप्न जैसा साथ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मेरी अपनी राय यह है कि पूर्ण संत से सत्य नाम यानी सत्य साधना का मंत्र लेकर अपने जीव का कल्याण कराओ, और जब तक आप स्वप्न यानी संसार में हैं तब तक स्वप्न देखते हुए पूर्ण संत की शरण में जाकर सच्चा नाम प्राप्त करके अपना मोक्ष कराओ। सर्व प्राणी जीवन रूपी रेलगाड़ी यानी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जिस डिब्बे यानी कंपार्टमेंट में बैठे हो वह आपका नगर है, जिस सीट पर बैठे हो वह आपका परिवार है। जिस जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी वे अपने अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। यही दशा इस संसार की है। जैसे यात्रियों को मालूम होता है कि हम कुछ देर के साथी हैं, सभ्य व्यक्ति उस सफर में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने अपने स्वप्न वाले मानव जीवन के समय को व्यतीत करना है। स्वप्न टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो पता चलेगा यह क्या था, वह परिवार तथा संपत्ति कहाँ है जिसको संग्रह करने में अनमोल जीवन नष्ट कर दिया। संसार के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु के समय में यम के दूत कंठ को बंद करेंगे, उस समय आपकी सहायता करें। परमेश्वर उसी की मदद करता है जिसने पूर्ण संत से दीक्षा ले रखी होगी। परमेश्वर उस सतगुरु के रूप में उपदेशी की सहायता करता है, इसलिए सतगुरु जी की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लग्न लगाएं जैसी मृग, पतंग,
सती शूरवीर लगाते हैं, अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। शूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाना बेहतर मानते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। पुराणों में तथा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि अर्जुन यदि सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। भक्त भक्ति मार्ग में संघर्ष करते हुए भक्ति करके शरीर त्याग जाता है तो सतलोक सुख सागर में सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ, हमारे को ज्ञान नहीं था कि हम किसके घर पुत्र या पुत्री रूप में जन्म लेंगे। फिर हमारे को नहीं पता था कि हमारा विवाह संयोग किसके साथ होगा। यह भी ज्ञान नहीं था कि हमारे घर बेटा जन्म लेगा या बेटी। यह सब पूर्व जन्म के संस्कार वश होता चला गया। आपस में कितना प्यार तथा अपनापन बन गया। सदा साथ रहने की इच्छा रहती है, कोई ना मरे यह कामना करते रहते हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई सदा नहीं रहेगा। एक एक करके पहले पीछे सब मरते जाएंगे। सारे जीवन में जो संपत्ति इकट्ठी की थी वह यही रह जाएगी, जीव खाली हाथ जाएगा। परंतु जो पूर्ण संत के सच्चे नाम की दीक्षा लेकर साधना करेगा वह सत्य लोक चला जाएगा। वहां पर ऐसे ही जन्म होगा जैसे पृथ्वी पर होता है। उसी प्रकार परिवार बनता चला जाएगा। वहां पर कोई कर्म नहीं करना पड़ता। सर्व खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में सत्यलोक में है। सदाबहार पेड़ पौधे, फुलवाड़ी, मेवा यानी काजू, किशमिश, मनुखा, दाख आदि दूधों के समुद्र यानी क्षीर समुद्र हैं। सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। इसको अक्षय मोक्ष कहते हैं, पूर्ण मुक्ति कहते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। तथा जिस सिद्धि मोक्ष शक्ति को नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 4 अध्याय 18 श्लोक 49 से 62 में है। इस काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में सर्व प्राणी कर्म करके ही आहार प्राप्ति करते हैं। सत्य लोक में ऐसा नहीं है। वहां बिना कर्म किए सर्व सुख पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे बाग में फलों से लदबद वृक्ष तथा बेल होते हैं, फल तोड़ो और खाओ। सर्व प्रकार का अनाज भी ऐसे ही उगा रहता है, सदा बहार है। जो इच्छा है बनाओ और खाओ। वहां पर खाना बनाना नहीं पड़ता। भोजनालय में रखो जो खाना चाहते हो, अपने आप तैयार हो जाता है। यह सब परमेश्वर की शक्ति से होता है। उस सतलोक यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए आप जी को सती तथा शूरमा की तरह कुर्बान होना पड़ेगा। भावार्थ है कि अपने उद्देश्य यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार के सर्व लोभ लाभ त्यागने पड़े तो विचारने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत छोड़ो और अपने स्मरण ध्यान में मगन रहो। यदि सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं की तो जिस समय अंत समय आएगा तब भक्तिहीन प्राणी के कंठ को यमदूत बंद करते हैं। उन यमदूतों से परिवार का कोई व्यक्ति नहीं छुड़वा सकता। केवल सतगुरु जी उस आपत्ति के समय सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अंत समय जम दूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे, सतगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानहु कहा हमारा। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 142। शब्दार्थ, शब्दार्थ ऊपर कर दिया है। यदि कोई भक्त ज्ञान समझकर दीक्षित होकर अन्य भोले भूले जीवों को ज्ञान चर्चा करके सत्य ज्ञान प्रचार द्वारा सतगुरु शरण में लाकर दीक्षा दिलाता है तो उसको एक जीव को सत्य भक्ति मार्ग बताकर गुरु से दीक्षा दिलाने का इतना पुण्य होता है जितना 1 करोड़ गायों को काटने से कसाई से बचाने का मिलता है। एक मानव जीवन इतना बहुमूल्य तथा इतने पुण्यों से प्राप्त होता है यदि कोई मूर्ख प्रचारक मान बड़ाई के वश होकर स्वयं दीक्षा देता है, स्वयं गुरु बन बैठता है
तो वह महाअपराधी होता है। उससे परमेश्वर रुष्ट हो जाता है तथा काल उसको कान पकड़कर घसीट कर ले जाता है, जैसे खटीक यानी कसाई बकरे बकरी को ले जाता है। कबीर सागर के अध्याय अंबू सागर पृष्ठ 48 पर प्रमाण है कि तब देखा दूतन कहम जाई, चौरासी तहां कुंड बनाई, कुंड कुंड बैठे यम दूता, देत जीवन कहम कष्ट बहुता, तहां जाए हम ठाड़ यानी खड़े रहावा, देखत जीव विनय बहुत लावा। झूठे कड़िहार यानी नकली सतगुरु की दशा, पड़े मार जीव करे बहु शोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा, लाख 28 पड़े कड़िहारा, बहुत कष्ट तहां करत पुकारा, हम भूले स्वार्थ संगी, अब हमरे नाही अर्धंगी, हम तो जरत है अग्नि मंझारा, अंग अंग सब जरत हमारा, कौन पुरुष अब राखे भाई, करत गुहार चक्षु ढल जाई। ज्ञानी यानी कबीर जी वचन, करुणा देख दया दिल आवा, अरे दूत त्रास भास दिखावा। यह वाणी बनावटी है, वास्तविक वाणी नीचे है। दुर्दशा देख दया दिल आवा, अरे दूत तुम जीवन भ्रमावा, जीव तो अचेत अज्ञाना, वाको काल जाल तुम बंधाना, चौरासी दूतन कहम बांधा, शब्द डोर 14 यम सांधा, तब हम सभन कहम मारा, तुम हो जालिम बटपारा, हमरे भक्तन को तुम भ्रमावा, पल पल सुरती जीवन डिगावा, गही चोटी दूत घसियाए, यमरु दूत विनय तब लाए। दूत जो नकली गुरु बने थे, वचन चुक हमारी क्षमा कर दीजे, मन माने तस आज्ञा कीजे, हम तो धनी यानी काल कहियो जस कीन्हा, सो वचन मान हम लीन्हा, अब नहीं जीव तुम्हारा भ्रमावे, हम नहीं कबहूं गुरु कहावे। ज्ञानी यानी कबीर जी वचन, सुन ज्ञानी बहुते हंसाई, दूतन दुष्ट बंध न छोड़ो जाई, पल एक जीवन सुख दीना, तब संसार गमन हम कीना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 143। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो झूठे सतगुरु बनकर मान बड़ाई के वश होकर काल प्रेरणा से भोले जीवों को भ्रमाया करते थे, उनको भी दंड मिलता है, उनको भी नरक में डालकर यातनाएं दी जाती हैं, उनके शिष्य भी उसी नरक में गिरते हैं। जब मैं उस नरक के पास गया जिसमें वे मान बड़ाई के भूखे नकली कड़िहार यानी संसार के काढ़ने वाले यानी सतगुरु बनकर महिमा बनाए हुए थे, लाखों जीवों को शिष्य बनाकर नरक में अपने साथ ले गए, फिर परमेश्वर के विधान अनुसार वे भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र में कुंड बने हैं, प्रत्येक कुंड में जीव पड़े हैं तथा यमदूत सता रहे हैं। वे 28 लाख नकली सद्गुरुओं ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हमें बचा लो प्रभु। कारण यह था कि जो यमदूत उन्हें नरक में मार पीट रहे थे, वे सब परमेश्वर कबीर जी की शक्ति के सामने कांपने लगे। इस कारण से उन नकली सद्गुरुओं को लगा कि ये कोई परम शक्ति वाले देव हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुमने भोले जीवों को भ्रमित किया, अपने आप को पूर्ण सद्गुरु सिद्ध किया। तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पास नाम दीक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं, अपने स्वार्थवश लाखों मनुष्यों के अनमोल जीवन का नाश कर दिया, वे काल जाल में फंसे रह गए। फिर मैंने उन दूतों यानी काल के बनाए कड़िहारों को तथा अन्य यम दूतों को मारा, चोटी पकड़कर घसीटा। फिर नकली सतगुरुओं ने कहा कि हमने तो अपने धनी यानी मालिक काल ब्रह्म की आज्ञा का पालन किया है, अब आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जीव उन नकली गुरुओं के शिष्य बनकर जीवन नष्ट कर गए थे, वे भी वहीं उनके साथ नरक में पड़े थे। जब तक मैं यानी कबीर परमेश्वर जी वहां रहा, उन जीवों को नरक का कष्ट नहीं हो रहा था। इस प्रकार उनको कुछ समय का सुख देकर वहां से चलकर
संसार में आया। मेरे आने के पश्चात वे नकली गुरुओं तथा उनके भोंदू शिष्यों को फिर से नरक की यातना प्रारंभ हो गई। इसलिए पूर्वोक्त वाणी में कहा है कि यदि कोई प्रचारक स्वयं गुरु बन बैठा तो परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा और काल कान ऐठेगा अर्थात कष्ट देगा। इसलिए हे सज्जन पुरुष, कभी ऐसी गलती न करना, मेरे वचन को प्रमाणित मानना। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 144, भक्त का स्वभाव कैसा हो, अनुराग सागर के पृष्ठ 6 से वाणी नंबर 7-17, धर्मदास वचन। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपनी नसाई, केही विधि मृतक हो यह जीवन, कहो विलोय नाथ अमृत धन। कबीर वचन। मृतक के दृष्टांत यानी उदाहरण। धर्मदास यह कठिन कहानी, गुरु गमते कोई विर ले जानी। भृंगी का दृष्टांत यानी उदाहरण। मृतक होए के खोज ही संता, शब्द विचारी गहे मगुअंता, जैसे भृंग कीट के पासा, कीट गहो भृंग शब्द की आशा, शब्द घात करते ही मह डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे, तब ले गो भृंगी निज गेहा, स्वाति देह किन्हो समदेहा, भृंगी शब्द कीट जो माना, वरण फेर आपन कर जाना, बिरला कीट जो होए सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई, कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने, भृंगी शब्द कीट ना गहई, तै पुनि कीट आसरे रहई, एक दिन कीट गहे सी भृंग भाषा, वरण बदले पूरवे आशा। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 145, मृतक के और दृष्टांत, अनुराग सागर के पृष्ठ 7 से वाणी नंबर 7-20। सुनहु संत यह मृतक सुभाव, बिरला जीव पीव मग धाव, और ए सुनहु मृतक का भेवा, मृतक होए सत गुरु पद सेवा, मृतक छोह तजय शब्द उड़धारे, छोह तजय तो जीव उबारे। पृथ्वी का दृष्टांत। जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई, कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे, गुण औ गुण तिन सम कर जाना, तज विरोध अधिक सुख माना। उख का दृष्टांत। औरों मृतक भाव सुनि लेहु, निरखी परखी गुरु मगु पगु देहु, जैसे ईख किसान उगावे, रति रति कर देह कटावे, कोल्हु महम पुनि ताही पिरावे, पुनि कडाह में खूब उठावे, निज तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खांड विलोई, ताहू माही ताव पुनि दीन्हा, चीनी तबे कहावन लीन्हा, चीनी होए बहुरित तन जारा, ताते मिसरी है अनुसारा, मिसरी तेजब कंध कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा, यही विधि ते जो शीश करही, गुरु कृपा सहजे भवत रही। भावार्थ। अनुराग सागर पृष्ठ 6 पर लिखी पंक्ति नंबर 7-17 तक का भावार्थ है कि धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे मृतक का स्वभाव समझाओ, कैसा होता है, किस प्रकार जीवित मरना होता है। हे अमर परमात्मा, हे स्वामी, कृपा बिलोय अर्थात निष्कर्ष निकाल कर वह अमृत धन अर्थात अमर होने का मार्ग बताएं। परमेश्वर कबीर वचन। मृतक के दृष्टांत। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, यह जो प्रश्न आपने किया है यह जटिल कथा प्रसंग है। सतगुरु शरण में रहकर ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। भृंगी का दृष्टांत। संत साधक जन जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचते हैं अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग यानी पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है जिसे भंभीरी कहते हैं, जिसको इंजनारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भी की आवाज करती रहती है,
वह अपना परिवार नर्मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीट यानी कीड़े विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भीभी की आवाज करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज से प्रभावित हो जाता है, उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का, 2 इंच परिधि का, 1-2 मुख वाला गारा का बना होता है, फिर दूसरा तीसरा ले जाती है, फिर उनके ऊपर अपनी भीभी की आवाज करती रहती है, फिर औस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस भंभीरी यानी भृंग की बार बार आवाज को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसकी तरह पंख निकल आते हैं। वह आवाज भी उसी की तरह भीभी करने लगता है, भंभीरी ही बन जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान को भंभीरी की तरह बार बार बोलकर सामान्य व्यक्ति को भी भक्त बना लेता है। फिर वह भक्त भी सद्गुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। संसार की रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग ढंग बदल गया है, यह तो भक्त बन गया है। जैसे भृंग यानी भंभीरी कीटों को अपनी आवाज सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सतगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह रहकर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, कोई 1-2 बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं कई दिनों के पश्चात अपना स्वभाव बदलते हैं। यदि वह कीट भृंगी नहीं बना है और उस भृंग कीट की शरण में रह रहा है तो अवश्य एक दिन परिवर्तन होगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, यदि शिष्य इसी प्रकार गुरुजी के विचारों को सुनता रहेगा तो उस भृंग कीट की तरह प्रभावित होकर संसारिक भाव बदलकर भक्त बनकर हंस दशा को प्राप्त होगा। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 146 पृष्ठ 7 से पंक्ति 7 के 20 तक का भावार्थ। कबीर जी ने कहा कि हे संतों, सुनो ये मृतक का स्वभाव इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। वह पीव यानी परमात्मा को प्राप्ति करने का मग यानी मार्ग प्राप्त करता है। उपरोक्त यानी भृंग वाले उदाहरण के अतिरिक्त और सुनो, मृतक का भाव जिससे मृतक यानी जीवित मृतक होकर सतगुरु के पद यानी पद्धति के अनुसार साधना करता है। पृथ्वी का उदाहरण, जैसे पृथ्वी में सहनशीलता होती है इसी प्रकार पृथ्वी वाले गुण को जो ग्रहण करेगा वह जीवित मृतक है और वही सफल होता है। पृथ्वी के ऊपर कोई बिष्टा यानी टट्टी करता है, डालता है, कोई खेती करता है तो चीरफाड़ करता है, कोई कोई धरती पूजन करता है। पृथ्वी गुण अवगुण नहीं देखती, जिसकी जैसी भावना है वह वैसा ही करता है। यह विचार करके धरती विरोध ना करके सुखी रहती है। भावार्थ है कि जैसे जमीन सहनशील है वैसे ही भक्त संत का स्वभाव होना चाहिए। चाहे कोई गलत कहे कि यह क्या कर रहे हो यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर भक्त सफलता प्राप्त करता है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 147। ऊख यानी ईख यानी गन्ने का दृष्टांत। जैसे किसान ईख बीजता है उस समय गन्ने के 1-1 फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कड़ाहे में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है, और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है, और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाती है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाइयां सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। 132 अनुराग सागर। मृतक भाव
कौन धारण कर सकता है। मृतक भाव है कठिन धर्मानी, लहे विरल शूर हो, कादर सुनते ही तन मंद है, पाछे ना चितवत कूर हो, ऐसे शिष्य आप संहारे, नाव सही गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय, जाए दीप अमान को। मृतक ही साधु होता है। सोरठा मृतक हो सो साधु, सो सतगुरु को पावई, मेटे सकल उपाध, तासुदेव आशा करें। साधु किसे कहते हैं? साधु मार्ग कठिन धर्म दासा, रहनी रहे सो साधु सुबासा, पांचों इंद्री सम करी राखे, नाम अमीरस निशदिन चाखे। चक्षु ऋषिकरण, प्रथम ही चक्षु इंद्री कह साधे, गुरुगम पंथ नाम अवराधे, सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप करूप न भावे दूजा, रूप करूप ही सम कर जाने, दरस विदेह सदा सुख माने। श्रवण वशीकरण, इंद्री श्रवण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चित दाहे, बोल कुबोल दो सह लेख है, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विशेष है। नासिका वशीकरण, नासिका इंद्री बास अधीना, यही सम राखे संत प्रवीणा। जिह्वा वशीकरण, जिभ्या इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर सवादा, सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं विलगावे, जो कोई पंचामृत ले आवे, ताही देख नहीं हरप चढ़ावे, तजे न रूखा साग अलूना, अधिक प्रेम सो पावे दूना। 133 अनुराग सागर। शिरण वशीकरण, इंद्री दुष्ट महा अपराधी, कुटिल काम होई विरले साधी, कामिनी रूप काल की खानी, तजहु तासु संग हो गुरु ज्ञानी। काम वशीकरण, जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जुगावे, शब्द विदेह सुरत ले राखे, गही मन मौन नाम रस चाखे, जब निह तत्व में जाए समाई, तब ही काम रहे मुरझाई। काम देह लुटेरा है, काम पर बल अति भयंकर, महादारुण काल हो, सुर देव मुनि गण यक्ष गंधर्व, सब ही किन्ह विलास हो, सब ही लूटे विरल छूटे, गुण निज दृढ़ गहे, गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु, भेद मारग तिल लहे। काम लुटेरे से बचने का उपाय, सोरठा दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजेरा करी रहो, सतगुरु शब्द विलास, भाज चोर अंजोरा जब। अनल पक्षी का दृष्टांत, गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष है लोक सिधावे, धर्मदास यह परखो बानी, अनल पक्ष गम कहो बखानी, अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निशदिन रहे पवन की आशा, दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहे तिहि जानी, अंड प्रकाश कीन्ह पुनि तहवा, निराधार आलंब ही जहवा, मारग माहि पुष्ट भो अंडा, मारग माहि त्रिरह नौखंडा, मारग माहि चक्षु तिन पावा, मारग माहि पंख पर भावा, महिढिग आवा सुधी बहिताही, इहां मोर आश्रम नहीं आही, सुरति संहार चले पुनि तहवा, मात पिता को आश्रम जहवा। अनुराग सागर के पृष्ठ 8 तथा 9 का सारांश है कि साधक वही है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है, जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे, रूप को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होवे, कुरूप को देखकर घृणा ना करे, दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा काला है, दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखें कि ऊपर का चाम गोरा काला है, शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है, इस प्रकार विवेक से भक्ति करें। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस न करें, यदि कोई कुबोल यानी कुवचन कहता है तो दुख ना माने, उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। यदि कोई अच्छा भोजन खीर खांड हलवा पूरी खिलाता है तो उसी कारण उससे प्रभावित ना हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से प्रेम से खाना चाहिए, काम वासना को महत्व न दें।
वही भक्त वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम स्मरण में लगाकर आनंद प्राप्त करें। उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। काम वासना का नाश करने का तरीका, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी का भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 148, मोक्ष प्राप्ति का अन्य भाव। अनल यानी अलल, पक्षी जैसा भाव। जैसे एक अनल पक्षी यानी अलल पंख आकाश में रहता है, यह पक्षी अब लुप्त हो चुका है। इसके चार पैर होते थे, आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी चार हाथियों को एक साथ उठाकर आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। अनल पक्षी यानी अलल पक्षी ऊपर वायु में रहता था, वहीं से मादा अनल अंडे उत्पन्न कर देती थी। वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी जहां केले का वन होता था। केले एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते थे। हाथियों का झुंड यानी समूह यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहते थे, क्योंकि हाथी केले के पेड़ खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट जाता है, मस्ती करता रहता है। अलल पक्षी का अंडा वायुमंडल से गुजरकर नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था, केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाए। अंडे का आकार बहुत बड़ा होता था, उसका कवर भी सख्त मजबूत होता था। बच्चे के बचाव के लिए अंडे के कवर तथा बच्चे के बीच में गद्देदार पदार्थ होता था, जो पृथ्वी के ऊपर गिरते समय बच्चे को चोट लगने से बचाता था। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चों के साथ रहता था, उनसे मिलकर उड़ता था, परंतु उसकी अंतरात्मा यह मानती थी कि यह मेरा घर परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो ऊपर है, मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है, यह मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता है तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता था, चार हाथियों को चारों पंजों से उठाता था तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था, अपने परिवार के पास चला जाता था, साथ में उनके लिए आहार भी ले जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्त को मार्गदर्शन किया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं, आपको यह छोड़कर जाना है, आपका परिवार ऊपर सत्यलोक में है, आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त के मन की दशा उस अनल यानी अलल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। जब तक सत्यलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो, चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है, अपने परिवार के पास अपने निज घर सतलोक में जाना है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 149, अनुराग सागर के पृष्ठ 152 का सारांश। इस पृष्ठ पर परमेश्वर ने शरीर के अंदर का गुप्त भेद बताया है। इस मानव शरीर में 72 नाड़ियां हैं, उनमें 3 ईड़ा पिंगला सुषमणा मुख्य हैं, फिर एक विशेष नाड़ी है ब्रह्मरंध्र। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मन ही ज्योति निरंजन है, इसने जीव को ऐसे नचा रखा है जैसे बाजीगर मरकट यानी बंदर को नचाता है। इस शरीर में 5 तत्व 25 प्रकृति तथा 3 गुण काल के 3 एजेंट हैं, जीव को धोखे में रखते हैं। इस शरीर में काल निरंजन तथा जीव दोनों की मुख्य भूमिका है। काल निरंजन मन रूप में सब पाप करवाता है, पाप जीव के सिर पर रख देता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 153 का सारांश, काल ने ऐसा धोखा कर रखा है कि जीव परमेश्वर को भूल गया है। मन कैसे पाप पुण्य करवाता है, मन ही काल कराल है, यह जीव को नचाता है, सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है, स्त्री भोग कर
आनंद मन यानी काल निरंजन ने लिया, पाप जीव के सिर रख दिया। वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा होती है, यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा होती है। आनंद तो 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान, इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। अनुराग सागर के पृष्ठ 154 का सारांश। पराये धन को देखकर मन उसे हड़पने की प्रेरणा करता है, चोरी कर जीव को दंड दिलाता है, पर निंदा पर धन हड़पना यह पाप है। काल इसी तरह जीव को कर्मों के बंधन में फंसाकर रखता है। संत से विरोध तथा गुरु द्रोह यह मन रूप से काल ही करवाता है, जो घोर अपराध है।